स्वास्थ्य है। हाँ तो बच्चों, आज मैं आपको बुक नंबर 3 में से पाठ पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, अपनी अपनी बुक नंबर 3 ओपन कीजिए। तो निकालिए बच्चों अपनी अपनी बुक नंबर 3। यस, निकाल दिया है। यस बच्चों, तो देखिए बच्चों, ऑलरेडी हम लोगों ने, हाँ बच्चों, ऑलरेडी हम लोगों ने निर्माता कौन लेसन और नोट्स कंप्लीट कर चुके हैं, है ना बच्चों? यस। तो अभी बारी है फिफ्थ लेसन कोयल की। यस चिल्ड्रन, तो देखिए फिफ्थ लेसन कोयल की, लेसन फिफ्थ कोयल। यस चिल्ड्रन, फिफ्थ लेसन कोयल। कोयल की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ बच्चों। देखिए, कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेश लाई हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चित्र है। इस चित्र में एक कोयल बैठी है और नीचे एक लड़का भी है बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को? आप लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक में देखिए क्या है बच्चों, ऑब्जर्व कीजिए। हाँ, तो ये लड़का क्या बोल रहा है उस कोयल से, कोयल कोयल तुमने क्या संदेश लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो लड़के ने क्या कहा, क्या बोल रहा कि तुम क्या संदेश लाई हो और बहुत दिन के बाद तुमने इस डाली पर आई हो, क्या गीत हो, क्या क्या गाती हो, किसे बुलाती हो? बादल तो कोयल रानी है, बतला दो, दो कोयल रानी है, क्या गीत गाती हो, किसे तुम बुलाती हो? बतला दो कोयल रानी। यस चिल्ड्रन, बतला दो कोयल रानी तुम क्या गाती हो और किसे बुलाती हो? प्यासी धरती देखे मांगती हो क्या मेघों से पानी, प्यासी धरती देख मांगती है हो क्या मेघों से पानी। यस चिल्ड्रन, प्यासी धरती देख मांगती है क्या मेघों से पानी। प्यासी धरती क्या बोल के मांगती बच्चों, कि मेघों से कि पानी, हमें पानी दो, बारिश गिराओ। कोयल या मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई, क्या ये कू कू की आवाज, कितनी मिठास है थी बच्चों। तो इस बच्चे ने क्या कह रहा है, क्या इस इतनी अच्छी मधुर मिठास तुमने अपनी माँ से पाई, क्या बोल रहा है? माँ ने क्या तुमको मीठी बोली यहाँ सिखलाई, क्या माँ ने तुम्हें इतनी मीठी बोली सिखलाई? डाल डाल पर उड़ने लगा उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोला बोलो या तुम्हें तुम्हें भी तुम्हें बताया है। डाल डाल पर उड़ना और जिसने तुम्हें सिखाया, सबसे मीठा मीठा बोलो या भी तुम्हें बताया है। यस चिल्ड्रन, कोयल एक पेड़ पे नहीं बैठती, हर एक अनेक अनेक पेड़ के ऊपर बैठती है और मीठा मीठा कू कू करके गाती है। कभी आप लोगों ने कोयल को देखा बच्चों गाते हुए, कैसे गाती हो? हाँ, कू कू करके गाती ना बच्चों। बहुत बली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी, इसलिए तो तुम कहलाती है सब चिड़ियों की रानी। तुम बहुत अच्छी हो क्योंकि तुमने अपनी माँ की बात मानी, इसलिए तुम सब पक्षियों की क्या है, चिड़ियों की रानी। तो एक बार ये पोयम मेरे साथ गाइए बच्चों, कोयल कोयल सच बतलाना। बोलिए बच्चों, रिपीट, कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेश लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो, क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी देख, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी, कोयल या मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई, माँ ने ही तो तुम क्या तुमको मीठी बोली यहाँ सिखलाई। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया, सबसे मीठा मीठा बोलो
ये भी तुम्हें बताया है। बहुत बली हो, तुमने माँ की बात सदा ही मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। यस चिल्ड्रन, इस कविता की पंक्तियों किसने लिखा चिल्ड्रन? सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पंक्तियां लिखी है, कविता की पंक्तियां लिखी है। तो देखिए बच्चों, अभी आपको क्या करना है, कहां पोयम स्टोरी खत्म हो गई, तो अभी आपको आपकी हिंदी की क्लास का क्लिप निकालनी है और मैं आपको बोर्ड के ऊपर कुछ नए शब्द लिखवाऊंगी, उस नए शब्द को आपकी क्लास में आपको लिखना है। तो निकालिए बच्चों अपनी अपनी हिंदी की क्लास वर्क बुक। नए शब्द, प्यासी, यानी के पानी, पीने की इच्छा होना, सेकेंड वन धरती, जमीन, थर्ड वन मेघ यानी के बादल, फोर्थ वन मिठास यानी के एक स्वाद, फिफ्थ वन सदा यानी के हमेशा। यस चिल्ड्रन, तो अपनी क्लास बुक में आपको इस नए शब्द को लिखना है। नीट से बच्चों, नीट हैंडराइटिंग से लिखना शुरू कीजिए। ओके बच्चों, पक्षियों के लिए अपने घर की बालकनी या
बालकनी में या पार्क में एक मिट्टी के कटोरे में हर रोज साफ पानी रखिए। बच्चों पक्षियों को भी पानी बहुत जरूरी है ना बच्चों। तो अब हम लोगों को क्या करना है, एक साफ कटोरी मिट्टी का बर्तन यानी मिट्टी की जो कटोरी रहती उसमें पानी भर के कहीं भी छत में या पार्क में या अपनी बालकनी में भर के रखना है, और हो सके तो उनको हम दाना भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा काम है बच्चों ये करना। ओके नेक्स्ट बच्चों सोच कर बताइए, कोयल मेघा से पानी क्यों मांगती है, कोयल ने मिठास किससे पाई है, सबसे किसे तरह बोलना चाहिए, क्या कोयल अपनी माँ की बात मानती है, कोयल को क्या कहा जाता है। सोचिए बच्चों अपने दिमाग में ये क्वेश्चंस के आंसर सोचना है। तो सेकंड बिट देखिए, खा सही कथन पर राइट और रॉन्ग का निशान लगाइए, यानी के खा बिट पे राइट और रॉन्ग। ओके बच्चों तो फर्स्ट वन देखिए, कोयल की आवाज मधुर होती है, यस करेक्ट। सेकंड वन, अमृत की डाली पर कोयल कूदती है, करेक्ट। कोयल किधर भी कूदती है, हर एक डाली पर कूदती है। थर्ड वन चिल्ड्रन, कोयल के पिता ने उसे मीठी बोली की सीख दी है, रॉन्ग। फोर्थ वन चिल्ड्रन, कोयल सभी चिड़ियों की रानी है, हाँ करेक्ट। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखिए। ओके बच्चों क्या है फर्स्ट वन, कोयल की आवाज मधुर होती है, करेक्ट। अमरूद की डाली पर कोयल कूदती है, करेक्ट। कोयल के पिता ने उसे मीठी बोली सिखा दी, रॉन्ग। कोयल सभी चिड़ियों की रानी है, राइट। तो लिख लीजिए बच्चों, आगे वाले का
गुस्सा भी उतर जाइए, उतर जाना चाहिए। इस प्रकार से हमें मीठा मीठा बोलना है और अच्छे से बोलना है। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, नीचे दिए शब्दों के वचन लिखिए। यस चिल्ड्रन, का बीच वचन बदलकर लिखिए। फर्स्ट वन चिल्ड्रन, चिड़िया। चिड़िया का आंसर है चिड़िया। ओके, सेकेंड वन बोली, तो बोलियां। थर्ड वन रानी, तो है रानिया। फोर्थ वन डाली, यानी के डालियां। फिफ्थ वन मेघा, मेघाएं। सिक्स्थ वन बादल, बादलें। लिख लीजिए बच्चों, यस नीट से आपकी क्लास बुक में और आपकी टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है। चिड़िया चिड़िया है, बोली बोलियां, रानी रानियां, डाली डालियां, मेघा मेघाएं, बादल बादलें। ओके चिल्ड्रन, तो नीट से आपको आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर आपको लिखना है और इसके बाद आपको आपकी क्लास बुक में भी लिखना है। तो स्टार्ट कीजिए बच्चों लिखना। यस चिल्ड्रन, फिनिश। वचन बदल कर लिखिए। चिड़िया चिड़ियाएं, बोली बोलिया, रानी रानियां, डाली डालियां, मेघा मेघाएं, बादल बादलें। ओके चिल्ड्रन, तो हो गया आप लोगों का लिखना। तो एक बार मेरे साथ ये कोयल की कविता की पंक्तियां मेरे साथ रिपीट कीजिए बच्चों। कोयल कोयल सच बतलाना। यस चिल्ड्रन, रिपीट कीजिए। कोयल कोयल सच बतलाना, क्या संदेश लाई हो, क्या संदेश लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती। बोलिए बच्चों, रिपीट कीजिए। क्या गाती हो, किसे बुलाती। बादल तो कोयल रानी,
बतलाओ तो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती, यचलन प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी, कोयल यहाँ मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई, कोयल या मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यहाँ सिखलाई है। एक्सीलेंट, बोलिए। कोयल या मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई, माँ ने ही तुमको क्या मीठी बोली यहाँ सिखलाई। डाल डाल पर उड़ना गाना, डाल डाल पर उड़ना गाना, जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो ये भी तुमने तुम्हें बताया है। डाल डाल पर उड़ना गाना, जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो ये भी तुम्हें बताया है। बहुत बली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी, बहुत बली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। यस रेन, पोयम आप लोगों ने रिपीट किया, वेरी गुड। तो अब मीनिंग्स भी रिपीट कीजिए बच्चों। प्यासी, पानी पीने की इच्छा होना। यस चिल्ड्रन, बोलिए। प्यासी, पानी पीने की इच्छा होना। धरती, जमीन, धरती जमीन। मेघ, बादल, मेघ बादल। मिठास, एक स्वाद, मिठास एक स्वाद। सदा, हमेशा, सदा हमेशा। कोयल की आवाज मधुर होती है, करेक्ट। अमरूद की डाली पर कोयल कूदती है, करेक्ट। कोयल के पिता ने उसे मीठी बोली की सीख दी है, रॉन्ग। कोयल सभी चिड़ियों की रानी है, राइट। यस चिल्ड्रन, आप लोगों ने आज कोयल लेसन की पंक्तियां पढ़ी है, कविता की, और मीनिंग्स भी पढ़ा है, और नोट्स में आप लोगों ने राइट और रॉन्ग लिखे हैं, और वचन बदल कर भी आप लोगों ने नोट्स में लिखा है ना बच्चों? यस चिल्ड्रन, तो आपको क्या करना है, देखिए बच्चों, यहाँ पर कोयल ने अपनी माँ से और क्या क्या सीखा। कोयल को चिड़िया की रानी क्यों कहते हैं, इस कविता से कवि को हमें क्या संदेश देते हैं, मीठी बोली क्यों लाभदायक होती है। ये क्वेश्चन आंसर मैडम आपको मेल करेंगे बच्चों, आप लोगों को उसमें से देखकर क्वेश्चन आंसर लिखना है, ओके बच्चों। और इस कविता के राइटर कौन है बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान। यस चिल्ड्रन, आई बात समझ में? तो अब बारी है आपकी साक्षी, साक्षी यानी होमवर्क। बच्चों, साक्षी आपको आपकी क्लासवर्क बुक में ही लिखना है। आपका होमवर्क क्या है बच्चों, देखिए ये वाले मीनिंग्स, फिफ्थ लेसन के कोयल लेसन के मीनिंग्स। तो एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए बच्चों। प्यासी, पानी पीने की इच्छा होना। यस चिल्ड्रन, प्यासी, पानी पीने की इच्छा होना। धरती, जमीन, धरती जमीन। मेघ, बादल। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, देखिए बच्चों। प्यासी, पानी पीने की इच्छा होना। थर्स्टी, धरती जमीन अर्थ। मेघा, बादल क्लाउड। मिठास, एक स्वाद यानी के टेस्ट। सदा, हमेशा ऑलवेज।
यस चिल्ड्रन, ये कितने मीनिंग्स है? एक दो तीन चार फाइव मीनिंग्स बच्चों। लेसन नंबर फिफ्थ में से नए शब्द और बच्चों यहां पर देखिए पेज नंबर 37 में नीचे शब्दों को वचन बदलकर लिखिए। चिड़िया चिड़िया, बोली बोलियां, रानी रानियां, डाली डालियां, मेघा मेघाएं, बादल बादलें। यस चिल्ड्रन, पेज नंबर 37 में से वचन बदलना, वचन बदलकर लिखिए। होमवर्क वन टाइम। आई बात समझ में बच्चों? लेसन फिफ्थ में से नए शब्द यानी के मीनिंग्स पेज नंबर 37 में से वचन बदल कर लिखिए। चिड़िया चिड़िया, बोली बोलियां, रानी रानियां, डाली डालियां, मेघा मेघाएं, बादल बादलें। यस तो लिख लीजिए साक्षी। साक्षी आपको आपकी क्लास और बुक में ही लिखना है, तो लिख लीजिए साक्षी हुआ लेसन नंबर फिफ्थ नए शब्द पेज नंबर 37 वचन बदल कर लिखिए। होमवर्क वन टाइम। आई बात समझ में बच्चों? यस, जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तो आपको माई स्कूल माई होमवर्क gmail.com में मुझे सेंड करना है और मैं आपका होमवर्क जरूर चेक करूंगी बच्चों। और बच्चों सभी बच्चे लोग होमवर्क करके नहीं भिजा रहे हैं, मैं सबसे विनती करती हूँ कि सभी लोग अपना अपना होमवर्क करना है और टाइम पे माई स्कूल माई होमवर्क में मेल में सेंड करना है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखें, अपने भाई बहन का भी ख्याल रखना है बच्चों। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।